छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही सीएम ने पीएम से भी मुलाकात का समय मांगा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि रायपुर के शास्त्री चौक पर स्काई वॉक तोड़ा जाएगा, क्योंकि यहां जनता ने मन बना लिया है कि सीएम ने एनएमडीसी की बेलाडीला डिपोजिट 13 पर कहा कि परिणाम के 5 दिन पहले इस डील को फाइनल किया गया है, इसकी पूरी फाइल नहीं देखी गई है, फाइल देखकर इस पूरे मामले में पुनर्विचार किया जाएगा। हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात तय हुई है और इस संदर्भ में जा रहा हूँ। जब वहाँ भी चर्चा हुई तब भी बात हो रही थी, बाहर जो बातें छन के आ रही है तो वही है, इससे कोई उपयोग दिखाई देता नहीं है और लोग इससे परेशान है। आखिर अभी 47 डिग्री के जुकर में आप कोई आदमी वहाँ खड़ा हो जाए, ऊपर में आप फाइबर ग्लास रखे हैं और नीचे एल्यूमिनियम शीट है, तो स्थिति क्या होगी, आप सोच सकते हैं। आप अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज में कमियां बताते हुए अगले सत्र के लिए वहीं जीरो ईयर घोषित कर दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज नई दिल्ली में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात कर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की वास्तु स्थिति को की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया गया है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जीरो ईयर घोषित न किया जाए। किरंदुल एनएमडीसी में 13 नंबर खदान को लेकर चल रहे आदिवासियों के आंदोलन को समर्थन देने जोगी कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी लोह नगरी पहुंची और ग्रामीण आदिवासियों को संबोधित किया। जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है कि वो झूठ बोल रहे हैं, अगर वे चाहें तो वो अडानी के साथ हुए अनुबंध 2 मिनट में रद्द कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि कवासी लखमा मेरे छोटे भाई हैं और आज बस्तर के बड़े नेता और सरकार में उद्योग मंत्री हैं, वे खुद इस अनुबंध को रद्द कर सकते हैं, हम किसी भी हाल में अनुदान खुलने नहीं देंगे। आज बस्तर में अकेले मंत्री हैं, आज बस्तर को आप सबसे बड़ा नेता हैं, आज भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आपका सब बात मानता है, आप मंत्री मंडल में रहेंगे, मंत्रिमंडल में ये बात उठाई, जैसे आपने जब मैं मुख्यमंत्री था तो कवासी लखमा मेरे साथ कन्या से कन्या मिलाकर जब कांटे को अग्रवाल से मौका मिला था उस आंदोलन में मेरे साथ मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि इस आंदोलन का मैं नेतृत्व करूँ। आपका पूरा अधिकार है, आपका ये कर्तव्य बनता है, लोगों ने भेजा है आपको, जो मंत्री का पद मिला है वे लोगों की गुजारिश है तो कला के लखना मैं जानता हूँ उसके दिल में आदिवासियों के लिए प्राण है, जो आदिवासी है और आदिवासी का हित समझता है। छत्तीसगढ़ में 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा सीटें खाली हो चुकी हैं, ऐसे में सितंबर महीने में खाली 2 सीटों के लिए उपचुनाव कराया जा सकता है। इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारी भी शुरू कर दी है और इसी के तहत आगामी 10 और 11 जून को बस्तर कांग्रेस कमेटी ने एक अहम बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अरुण उरांव करेंगे। इसमें चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर के सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ 8 विधानसभा के विधायक कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर की कार्यकारिणी की बैठक यही संभाग मुख्यालय जगदलपुर के कांग्रेस भवन में ली जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से जो संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा है, उनके गठन के साथ अपने शासन की योजनाओं को जन आवाम तक और एक आम आदमी तक, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचाया जा सके, इन सब की रूपरेखा को लेकर अरुण उरांव जी का बस्तर प्रवास हो रहा है। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री गुलाब कमरो ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और कार्यों को समयावधि में पूर्ण करने की बात कही है, साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में आम लोग परेशान न हो इसका ख्याल रखना होगा, रोजमर्रा के कामों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं।
मजदूर विकास खंड के बोहार डीहे में एसीसी सीमेंट द्वारा लगाए जाने वाले लाइमस्टोन माइंस को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी भी मौजूद रहे और एसीसी प्रबंधन को जमकर उन्होंने घेरा। अमित जोगी का कहना है कि कंपनी भोले भाली जनता को गुमराह कर रही है। आपको बता दें एसीसी सीमेंट प्लांट द्वारा मस्तूरी के बोहरडीह में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होकर एक स्वर में विरोध कर रहे थे। इस विरोध में लाइमस्टोन कार्ड लगाए जाने को लेकर यह विरोध किया गया। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए जनसुनवाई स्थल पर रखी कुर्सियों को तितर बितर कर दिया। दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट देखा और अंग्रेजी में 300 पन्ने की रिपोर्ट देखा, लोगों को भड़काकर बहलाकर फुसलाकर एसीसी कंपनी के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार के द्वारा जो लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल किया जा रहा है, हमने इसका हमेशा विरोध किया है कि हमको ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का कोई लिखित हमको शिकायत लिखित हमको कोई चिट्ठी नहीं मिला है। और दूसरी चीज, इतने दिन तक बोल रहे थे कि यहाँ पर पावर प्लांट एसीसी सीमेंट प्लांट खुलेगा करके, लेकिन यहाँ माइंस खोलने की बात है जिसका हम लोगों ने एक स्वर से विरोध किया है। ये आज जो एसीसी का जन सुनवाई का तय किया गया था, जिसमें उद्योग नीति और नियम था, इस कंपनी के द्वारा ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और जिस प्रभावित किसान उनको चौपाल या ग्राम सभा के माध्यम से नहीं किया गया है, और ये तीसरा बार है ये जन सुनवाई। इससे स्पष्ट है कि एसीसी कंपनी ही फर्जी कंपनी है। खबर राजगढ़ से है, जहां अपनी ही जाति की दो युवतियों से दो भाइयों ने प्रेम विवाह किया तो पूरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ा। पीड़ित परिवार थाना प्रभारी से लेकर एसडीओपी तक के नाम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा परिवार अपना घर छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर है। मामला सारंगढ़ कस्पिदा गांव के दो चचेरे भाई संजय लहरे देव नारायण लहरे ने 17 मई को अपने ही गांव की हेमलता और पूर्णिमा से प्रेम विवाह कर लिया। लड़के के परिवार ने पहले रिश्ते का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जब लड़की पक्ष के लोगों ने इसे ठुकरा दिया तो उन्होंने समलेश्वरी मंदिर में जाकर शादी कर ली। जानकारी होने के बाद लड़कियों के परिजनों ने विरोध करना शुरू किया। पूरे गांव में मीटिंग रखकर हुक्का पानी बंद कर दिया गया और गांव से ही बहिष्कार कर दिया गया। हुक्का पानी बंद कर देंगे, क्या कर दे हैं? अब वही दूसरा लड़का करें वरना। रायगढ़ पूर्वी अंचल के लोइंग संबलपुर फीडर में पिछले दो दिनों से विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। पिछले दिनों आई आंधी तूफान के कारण सैकड़ों की तादाद में पेड़ गिर गए थे, जिससे विद्युत लाइन के पोल के तारों को भारी नुकसान हुआ है। विद्युत के अभाव में पानी की किल्लत भी लोगों को परेशानी का सबब बनी हुई है। भारी उमस के चलते लोग और बच्चों का भी बुरा हाल है। संबलपुरी फीडर में लगभग 55 पोल टूट गए हैं, वहीं लोइंग फीडर के तहत लगभग 30 पोल टूटे हुए हैं। विद्युत व्यवस्था बहाल करने के लिए स्थानीय ग्रामीण भी मदद कर रहे हैं। लाइन काफी डिस्टर्ब है और हम लोग सुबह से प्रयासरत हैं कि इस लाइन को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, और अभी भी प्रयासरत है। कुछ जगह में पोल अभी भी टूटे हुए हैं तो उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि रात तक हम लोग 33 लाइन को एक्सटेंड कर पाए यहाँ पे एरिया में। नक्सलियों ने दमेलवाड़ा घाट के पास लगे दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लगे दो वाहनों में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही कोबरा 206 बटालियन के जवान घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद नक्सली जवानों को देखकर भाग निकले। वहीं मामले की पुष्टि एसपी शलभ सिन्हा ने की है। खबर धर्मजगढ़ से है, जहां निवार गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पत्नी ने पहले पति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। हमला इतना भयंकर था कि पति के सिर पर गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। उसे इलाज के दौरान धर्मजगढ़ सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। आरोपी सुनीता कुजूर ने अपने पति बंधुराम कुजूर के सिर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला करके मौत के घाट उतार दिया।
आज थोड़ा ज्यादा सीरियस था तो मैं जो उसकी वाइफ है तेरी लगती है बोलने से तो और भी थोड़ा गुस्सा ही थी बोलो तो उसको शायद मार रहा था क्या तो जो जिस से मार रहा था जीजा जी को उसी बोलो के उसी उसी के से मार बड़े भाई मेरी पत्नी जो है 1:30 करीब घर से मऊहा का डोरी मिलने से चले गए थे घर पर है दोनों पत्नी पत्नी थे इस बीच में इनके बीच कुछ हुआ होगा झगड़ा विवाह जिस कारण उसके पत्नी द्वारा अपने घर के टांगी से धारदार से कई बार सिर बाल में चोट गहरा चोट पहुँचाने के कारण बेहोश हो गया था। कोरबा में आंधी और बारिश के साथ कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी है जिसकी चपेट में आने से अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों की मौत की खबर है जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक बरसात यानी कि जस्ट पानी स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग रिटर्न आने वाले थे उसी समय कहाँ पर जो बिजली आपात होता है ना वही हुआ खबर मंडला से है जहां मंडला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह हल्की बूंदाबांदी के साथ ओले भी गिरे हैं। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली की गिरने की खबर भी है। 20 वर्षीय एक युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से झुलस गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बेमेतरा जिले का जनपद पंचायत साजा शिक्षाकर्मी फर्जीवाड़ी के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर है। यहां 2500 से ज्यादा शिक्षाकर्मी की फर्जी होने की शिकायत पर जांच हुई जिसमें से कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। जनपद पंचायत साजा में एक और मामला सामने आया है जिसमें कार्यरत बाबू भी फर्जी निकल रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब जिला पंचायत सीईओ ने जनपद में कार्यरत कर्मचारियों की सर्विस बुक को सत्यापन हेतु मंगाया। मामला सामने आते ही राजनीतिक तूल भी पकड़ने लगा है। में जो सर्विस विभाग के साथ में लेटर भर्ती में छुपा रखा जो संज्ञान में है उसमें उनके कार्य अधिकारी से रिपोर्ट बुलाई गई है और उस पर कोई किस्म निर्णय लिया जाए। मुंगेली के जिला अस्पताल में मरीज के परिजन के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने पूरा केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी लगातार यहां की जा रही है और आगे की जांच करने की बात भी कही गई है। वहीं अस्पताल परिसर में सिर्फ एक गार्ड के भरोसे अस्पताल संचालित हो रहा है। जिसकी जानकारी सचिव में साथ अंतर को करीबन 2:30 बजे के आसपास हुई और हम लोग उसके बीच चौवन की शिकायत दर्ज करा रहे हैं। 5/6/19 की रात्रि करीब 11 बजे आरोपी का नाम है आम सिंह निसार। ये चिकित्सा कराने वाला है। ये महिला मरीज जो इलाज कराने आई थी उसके साथ छेड़खानी किया था तो सती सेंटर वाले जो है थाना में आपके रिपोर्टर दर्ज कराए थे जिस पर अपराध क्रमांक 374/19 हबनपुर के चंपारण ग्राम पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है जिससे रेत माफिया और अधिकारी मालामाल हो रहे हैं और शासन को चूना लगाया जा रहा है। लंबे समय से गरियाबंद जिले के राजम क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है। रायपुर और गरियाबंद दोनों ही जिलों के खनिज अधिकारियों को जिसकी जानकारी है मगर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जिससे शासन को जमकर चूना लगाया जा रहा है। खबर वहीं मुंगेली से है जहां 2 मोटरसाइकिल में आपस में भिड़ंत होने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिलासपुर के उसलापुर निवासी अयोध्या श्रीवास पिता अनूप श्रीवास अपने साथी के साथ टीवी लेकर कवर्धा जा रहा था वहीं बरेला गोयल राइस मिल के समीप पहुंचा ही था
कि मुंगेली की ओर से मोटरसाइकिल चालक तेजी से ठोकर मार दिया। इससे दोनों मोटरसाइकिल सवार के मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर उसलापुर निवासी अयोध्या श्रीवास के सिर में गंभीर चोट आई और जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया। वहीं पीछे बैठे साथी को भी कुछ गंभीर चोटें आई हैं, उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। अरगमल सरकारी अस्पताल के परिसर में मेडिकल वेस्ट को खुले में जलाकर नष्ट किया जा रहा है, जिससे उठने वाले धुएं से अस्पताल के इर्द गिर्द रहने वाले लोग परेशान हैं। इसका धुआं उनके घरों में घुस रहा है, जिससे उनका वहां रहना मुश्किल हो गया है। बार बार शिकायत करने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन अनसुनी कर रहा है और खुले में ही उसे जलाया जा रहा है। पखांजू क्षेत्र के तमाम एटीएम पिछले एक सप्ताह से बंद पड़े हुए हैं, जिसमें क्षेत्र के नोटबंदी जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। कैश के अभाव में एटीएम में ताले लटक रहे हैं। वहीं बैंक में भी कैश के अभाव से उपभोक्ताओं को नगद राशि नहीं मिल पा रही। ये समस्या पिछले 6 महीने से बनी हुई है, लेकिन बैंक प्रबंधक इस समस्या के प्रति कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारा इधर एटीएम का पैसा नहीं निकल रहा है, बहुत परेशानी है। कितने दिन से समस्या बनी हुई है? हफ्ता। कई ऐसे परेशानी आते हैं, इमरजेंसी लोगों को पैसे की जरूरत पड़ता है और एटीएम बंद है, तो उस समय कभी मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि उनको तुरंत जितने भी एटीएम है सब बंद पड़े हुए हैं। इसके बारे में अधिकारियों को कई बार बताया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी इसको सुनने में सक्षम नहीं है, ना ही सुन रहे हैं, ना ही कोई जवाब दे रहे। और खबर खबरदार से है, जहां कुंडा रूर्बन योजना फेल होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस योजना के तहत 2 ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर 100 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर पंचायतों और आसपास के 10 से अधिक गांवों का विकास होना था। इस योजना के तहत बिजली, पानी, सड़क, सामुदायिक भवन सहित अनेक सुविधा देने का दावा किया गया था, लेकिन 15 करोड़ से अधिक राशि खर्च होने के बाद भी गांव का विकास केवल कागजों पर दिखाई दे रहा है। इसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी क्या कारण है पता नहीं है, सरपंच को पता ही नहीं। कोई गांव नहीं बने, जाए की धारी कहाँ पर लगे है, उड़ा डबरी पंचायत है, कमरिया पंचायत है, माथरी पंचायत है। मैं माथरी पंचायत के ग्राम आश्री दूली पार में रहता हूँ, वहाँ 5 रुपया काम नहीं हुआ 5 साल। 2 क्लस्टर हमारे हैं, और कुंडा क्लस्टर का जो हमारा रूरल क्लस्टर है वो 2016 से संचालित है, जो टोटल करीब 100 करोड़ की परियोजना DPR बना था उसकी स्वीकृति हो गई है। और उसमें से 100 करोड़ में हमारे पास जो अभी भारत सरकार से जो टोटल फंड आया है वो करीब 18 करोड़ रुपये आया था, और उसमें से हम लोगों ने करीब 15 करोड़ का उसमें ऑलरेडी AS दे दिया है। पखांजूर में बंगला पान की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। मेहनत के बाद भी लागत निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। किसानों की माने तो गर्मी के मौसम में पान की सिंचाई करने में पसीने छूट जाते हैं। किसी तरह सिंचाई तो हो जा रही है, लेकिन पान की खेती में लगने वाले रोग से किसान को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, वर्तमान में बांस नहीं मिलने से पत्ती के उत्पादन के लिए ग्रामीणों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने अब प्रशासनिक सहायता की मांग की है। कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो हो रहा है, आदमी भी नहीं मिलता है काम करने के लिए। क्या क्या परेशानी? ये आदमी लाता है बाहर से काम करने के लिए, उसके बाद उसका रखना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, तो आप भी नहीं मिल रहा है। फायदा भी होता है, आमदनी भी होता है। ये हम पहले कलकत्ता से बीजे यहाँ से लाके लगाया हूँ, इससे हमको फायदा मिलता है। प्रशासन से कोई शासन मदद नहीं मिल सकता है हम लोगों को। जैसे आज पान बाहर भी जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र आजू बाजू पखांजर बांधे का शुरू भी जाते हैं। हम लोग तो 20 साल से कम कर रहा है, लेकिन पहले तो कलकत्ता से लाता था, अभी आ रहा है इधर, लेकिन हम लोग जो उत्पादन कर रहा है या जो होता है वो हमारा पूरा बाजार उजार होता है, इधर उधर देता है। जैसा पखांजर बांधे महाराष्ट्र, इधर का पान सप्लाई हो जाता है।
जहाँ पूरे प्रदेश में एक और भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं नदी नाले सूख रहे हैं। वहीं बलरामपुर जिले के किसान इस भीषण गर्मी में मिर्ची की बंपर खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। कड़ी मेहनत से किसान मिर्ची की बंपर पैदावार कर रहे हैं और दिन रात फसल की रखवाली कर उसका भरपूर लाभ कमा रहे हैं। मिर्ची की खेती के लिए अनुकूल जलवायु मिलने के कारण किसानों की रुचि इस खेती में जमकर बढ़ी है और पिछले दो सालों में गर्मी के सीजन में मिर्ची की खेती करने वाले किसानों की संख्या में भी जमकर इजाफा हुआ है। वहीं मामले में अधिकारी भी किसानों की मेहनत से काफी खुश हैं। उनकी माने तो यहाँ की जलवायु इस तरह की खेती के लिए काफी अच्छी रहती है। खेती तो है, सरकार हमारा सुविधा देती है और अच्छा फसल होती। हाँ, बहुत लगाते हैं और गांव अभी भी 30-40 पकड़ से कम थोड़ी लगी। पानी का साधन मिर्ची वाला फसल है, उद्यान की विभाग से जिसमें हेल्प मिलता है, विशेषकर शायद अभी उद्यान विभाग वाले आते हैं, आए भी थे एक नरवा गरुआ में। खुशहाल तो अभी वही पानी की समस्या के चलते मतलब ज़्यादा खुशी नहीं मिल पाते। अगर पानी बढ़िया से चलती तो बढ़िया खेती हो जाती सब। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। आरपीएफ नए मास्टर प्लान में 10 करोड़ रुपए सुरक्षा के लिए खर्च कर रहा है। आरपीएफ के कमांडेंट ऋषि शुक्ला के ने कहा है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन को हाईटेक किया जा रहा है, जगह जगह कैमरे लगाए जाएंगे, यात्रियों के सामान और पार्सल के लिए अलग से स्कैनर भी होगा, कार पार्किंग और ऑटो पार्किंग के साथ ही स्टेशन में 4-लेन सड़क बनेगी, जिसके बाद यात्री को आने जाने में कोई असुविधा का सामना नहीं हो, इसके लिए भी तमाम इंतजाम किए जाएंगे। स्टेशन सिक्योरिटी प्लान बिलासपुर स्टेशन के लिए बिलासपुर डिवीजन में बिलासपुर स्टेशन में इंप्लीमेंट पहले किया जा रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर्कुलेशन जो रहेगा वो काफी स्मूथ होगा। दूसरा ये है कि अंडर व्हीकल स्कैनर लगेंगे, स्कैनिंग सिस्टम लगेगा। जितने गेट्स हैं उसमें डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर रखेगा, उसमें बैग स्कैनर लगेगा और HHMD से सरप्राइज चेकिंग होते रहेगी और जितने अनऑथराइज एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख स्लोगन छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गुरवा घुरवा और बारी के तर्ज पर प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में कोरिया जिले के सुराजी गांव में आदर्श गौठान का गठन किया गया। इस योजना के तहत गांव में पशुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई। बता दें, भूपेश सरकार की बुनियादी सोच ग्रामीण कृषि आधारित व्यवस्था को मजबूत करना है। पानी भी है और गुरु गाय यहाँ चाहता है, यहाँ खासियत है, यहाँ मतलब बन रहा है तो सब लोगों के लिए बन रहा है। हम गाँव रोड में खेत जो शहर है गाँव के की अर्थव्यवस्था ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था है। और अब खबर कोंडा गांव से है, जहाँ पर पेशे से घर पहुंचे टीपी चलाने वाले कादर खान सांप पकड़ने में माहिर हैं। वे कई सालों से ये काम कर रहे हैं, बस जनसेवा और शौक के लिए करते हैं, इसके लिए वे कोई मेहनताना नहीं लेते। उन्होंने अपने यहाँ अपने पिता से ये कला सीखी है, उन्हें इस काम में डर नहीं लगता। जब भी उन्हें पता चलता है कि वो फौरन पहुंच जाते हैं और जहरीले सांप को पकड़कर जंगलों में छोड़ाते हैं। अब तक उन्होंने कई सांपों को पकड़कर जंगलों में छोड़ा है। ये हमारे पिताजी पकड़ते थे, उनसे सीखे हैं। नहीं, बचपन से देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, खतरा नहीं, छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, पिताजी को डसा था, मेरे को नहीं डरते। हाँ, फोन करते हैं और लेने आते हैं। खबर अवनपुर से है, जहां सत्यनारायण मंदिर में भगवान सत्यनारायण की मूर्ति स्थापना की 70वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गोबरा नवापारा नगर कंसारी समाज ने इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर भगवान सत्यनारायण जी का ब्रह्म मुहूर्त में पुरुष सूक्त पूजन एवं पंचामृत स्नान कराया गया, पश्चात मंगला आरती की गई। इसके बाद भव्य और आकर्षक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए सुराड एक्सप्रेस।